ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है। उक्त कार्य के बीच में चुरहटा विंध्य विहार कॉलोनी में 2 दशक से जमे लोगों के घरों पर रेलवे ठेकेदार ने बुलडोजर चला दिया। दरअसल उक्त लोग शासकीय जमीन पर विगत 20 वर्षों से घर बनाकर रह रहे थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बरसों से रहने के बाद भी उन्हें कहीं आवास नहीं मिला। कुछ लोगों ने तो बताया कि जमीन खरीद कर भी घर बनाया था, लेकिन उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, ना तो किसी प्रकार की नोटिस और ना ही सूचना। ठेकेदार के द्वारा गुंडाई करते हुए गाली गलौज की जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं कार्यवाही की कुछ तस्वीरें और सुनाते हैं स्थानीय लोगों ने क्या आरोप लगाए हैं। अरे घर इतना गिरा दी ना, क्या पता घर छोड़ा था कि तोड़ा था। कुछ नहीं दिया गया, कुछ नहीं आई। नोटिस आई है आपके पास? नहीं आई, कोई नोटिस नहीं। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? अरे हम 3 साल से हैं। हाँ, नोटिस नहीं है? नहीं, ये हाउसिंग बोर्ड नहीं बना था तब, पहले मैं आ गई थी यहाँ। मेरे आगे ये बना है कॉलोनी। हाँ, घर मेरा गिराया जा रहा। कल्लू तिवारी, क्या समस्या? समस्या मेरा मकान गिराया जा रहा है। मेरा घर यही सामने है। कौन गिरा रहा है? ये रेलवे वाले। मुआवजा नहीं दे रहे? सरकारी है सर, मैं गरीब आदमी हूँ, आज 20 साल से दे रहा हूँ। और मेरा कोई जो है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसा टका नहीं है। मुझसे पैसा भी खा लिया बुर के सामने और मेरा घर भी गिराया जा रहा। कितने साल से आप यहाँ हैं? मैं 20 साल से सर। इसकी शिकायत आपने कहीं की थी? शिकायत की कोई सुनवाई नहीं। कहते हैं मैं रेलवे विभाग हूँ, मैं मार चोट दूंगा सर। क्या चाहते हैं? मैं चाहता ये हूँ कि मेरे को जमीन के जगह पर जमीन दी जाए, मेरे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाए। आप कहाँ रहेंगे? आपका घर अब कहाँ रहेंगे सर? अब ये तो शासन दे या मैं कहाँ जाऊँगा? ये छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, इनको कहाँ लेके जाऊँगा? कितने लोग रहते हैं? मेरे पास 10 आदमी, बच्चे मिला के, ये छोटे छोटे बच्चे। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।